में आई डोंट नो क्या है, अयोध्या, अयोध्या में इतना तो पता है कि सरजू जी हैं। अगर मान लीजिए मुझे मालूम हो कि अयोध्या सभी लोग चूंकि न्यूज में भी रहता है, मान लीजिए डी का 3 मुझे मालूम है। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल पे, और जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लेकर चल रहे थे आप सभी के सामने, उसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो है आगे का कंटिन्यू हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, और ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो यूपी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आर ओ आर ओ का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का पेपर हो, उन सभी परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हमेशा मिलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा में समय बहुत ही कम बचा हुआ है, और 2018 के बाद लगातार एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने है, तो इस मौके को मत गवाइए आप सभी। 2024 जो है सभी के लिए सुनहरा हो। चलिए प्लूटस आईएएस ऐसी आप सभी को शुभकामना भी देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखा है कि शेखा झील के नाम से, अगर हम शेखा झील के बारे में बात करें तो शेखा झील के नाम से हम बात कर रहे हैं कि जो शेखा झील है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है, मतलब कहां पर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ में जो है मेंस में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शेखा झील के बारे में। पहला ऑप्शन दिया है कि लखनऊ में, दूसरा है वृंदावन में, तीसरा है अलीगढ़ में, और चौथा है कानपुर में। अब बात करें हम शेखा झील का, क्योंकि झीलों के बारे में आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झील है, यहां पर शेखा झील के नाम से पूछ रहा है एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो विहार घोषित किया गया है वो घोषित किया गया अलीगढ़ को। ऑप्शन इसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, और ऑप्शन सी अलीगढ़ के बारे में आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ चुकी जो है अलीगढ़ का ताला बड़ा फेमस है, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है अलीगढ़ का, ठीक है, अलीगढ़ के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, और अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है ये, और चूंकि प्रवासी जो पक्षी हैं, जो पक्षियां वापस आती हैं, जो प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए जो है राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शेखा झील का, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन। चलिए तो 36 क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 36 क्वेश्चन ठीक है, दिया है कि सूर सरोवर रामस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर सरोवर के बारे में यहां पर चर्चा किया गया है, तो सूर सरोवर पहला ऑप्शन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन यही पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सूर सरोवर की अगर हम बात करें तो सूर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश की बोल रहा है कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा, एक यह एक मानव निर्मित जलाशय है। पहली बात यह है कि जो सूर सरोवर जो है ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में बोल रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है केवल एक है, दूसरा कह रहा है एक और दो दोनों है, तीसरा कह रहा है केवल दो है, चौथा कह रहा है ना तो एक ना तो दो। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस आश्रम पद्धति लेक्चरर 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो ये बताइए क्या ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नहीं, ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन एक गलत हो जाएगा हमारा। तो जब ऑप्शन एक गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा हमारे पास ये और ये, ठीक है, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्योंकि सूर सरोवर जो स्तर है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, और चूंकि ये मानव निर्मित क्या है जलाशय है, और इसे जो है कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, इसको किस नाम से, कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में वर्तमान में 75 जो है रामसर स्थल है, और स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, 14 स्थल है, प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, दूसरे स्थान पर है, तो सबसे हाइस्ट किसका है, तमिलनाडु का है, और सेकंड किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है और यूपी में कितना है, 10 रामसर स्थल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। यह ऑप्शन बिल्कुल बी वाला जो सेकंड था वो सही था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल दो, ओनली टू, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से देखिए कई क्वेश्चन हमारे जो है क्लियर हो रहे हैं। पहला, सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या क्या है, तमिलनाडु में है, साउथ में है, तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 है उत्तर प्रदेश में, यह चूंकि मानव निर्मित है, इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, सूर सरोवर पक्षी विहार याद रखिएगा। और यह कहां पर है, चूंकि लखीमपुर खीरी यहां दे रहा है, लखीमपुर खीरी में तो नहीं है सर, ये तो आगरा जिले में है, और आगरा और मथुरा मैंने दोनों बताया था कि आगरा और मथुरा दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, सब पढ़ा चुका हूं आप सभी को, आप सभी जानते भी होंगे आगरा और मथुरा,
ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, वो बॉर्डर शेयर करते हैं राजस्थान, क्योंकि बगल में भरतपुर है और उसके साथ ये लोग बॉर्डर भी शेयर करते हैं। और जैसे मैप में मैं बार बार कह चुका हूं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, याद रखने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो जान लें। ईस्ट में आपका बलिया है, बागी बलिया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का गृह जनपद। वेस्ट में कौन है, वेस्ट में आपका शामली है, शामली आपका दिल्ली एनसीआर में भी शामिल है, नॉर्थ में आपका सहारनपुर है, और साउथ में देखेंगे यानी कि दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में सोनभद्रा भी है, सोनभद्र। सहारनपुर तीन राज्यों से घिरा हुआ है, कई बार बता चुका हूं, उत्तराखंड से भी, हिमाचल प्रदेश से भी और हरियाणा से भी, तीन तो ऊपर हो गए, सोनभद्र चार से हो जाएगा, मध्य प्रदेश से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, हरियाणा आपका बिहार, सॉरी बिहार से हो जाएगा और झारखंड से हो जाएगा, चार तीन सात तो यही हो गए। और यहां पर पश्चिम में चले जाइए, आगरा और मथुरा आपका है ही, बगल में आपका राजस्थान हो जाएगा, तो चार तीन सात एक आठ हो गए। और दिल्ली एनसीआर, गौतम बुद्ध नगर है ही आपका, आपका गाजियाबाद है ही, वो दिल्ली एनसीआर एक यूटी हो जाएगा, यानी कि टोटल आठ राज्य हो जाएंगे और एक हमारा यूटी हो जाएगा। इतने से हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है, ये सब याद रखिए, बेसिक चीजें हैं, इसको सभी को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, गंगा नदी की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है बिजनौर, बिजनौर का नाम सुना होगा, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा सहारनपुर, चौथा जेपी नगर। अब देखो बताओ, गंगा नदी की, गंगा गंगा की तरह पवित्र है, और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में पहले उत्तराखंड भी था, आप सब जानते भी हैं, चूंकि उत्तराखंड जो है 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य जो है अस्तित्व में, चूंकि यूपी से उत्तराखंड 13 जिले अलग हो गए और यूपी से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। चूंकि बात कर रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, तो ये जनपद में किस जनपद में है, ये मेरठ होगा नहीं, सहारनपुर होगा नहीं, जेपी नगर होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से जो है, चूंकि बिजनौर जो है बॉर्डर भी शेयर उत्तराखंड के साथ करता है, यूपी के सात ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आपका बिजनौर भी है, आपका सहारनपुर भी है, आपका मुजफ्फरनगर भी है, ठीक है, सब याद रखना होगा आप सभी को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिजनौर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस 2021 में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस एसीएफ आरओपो मेंस 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, 28 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 मतलब टोटल 75 जिले हैं, लेकिन उसमें से 28 जिलों से गंगा होकर बहती है गंगा नदी। और गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जैसे प्रयागराज है, संगम है, त्रिवेणी कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज, लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, वहीं जाएंगे आप इंटरव्यू देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। वाराणसी गंगा, चूंकि बनारस में भी गंगा है, कानपुर में गंगा जी है, कन्नौज में गंगा है, मिर्जापुर विंध्याचल देवी का मंदिर है वहां पे भी गंगा जी है, गाजीपुर काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर को, इसे कहते हैं काशी के सिस्टर ऑफ काशी, काशी की बहन, चूंकि बगल में बनारस भी है, बलिया बागी बलिया यहां पर भी क्या है, गंगा जी है, याद रखिएगा। और भारत सरकार के द्वारा 2008 में जो है गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित भी किया गया था, तो यह भी एक फैक्ट याद रखिएगा, चूंकि गंगा मैया जो है, चूंकि हमारी आस्था के प्रतीक के रूप में गंगा जी को जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं, तो 2008 में भारत सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की एंट्री करती है बिजनौर से, उत्तराखंड होते हुए बिजनौर में एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, और यूपी के जो 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये बहती है, जो प्रमुख प्रमुख शहर थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन से डरना नहीं है, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सभी के लिए अच्छा भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पहला है सूरस, ये जो है सूर सरोवर है, दूसरा है समसपुर पक्षी विहार है, तीसरा है सरसई नवार झील है, और चौथा है सूरसेन मानेसर झील। बेटा एक बात बताओ, सूर सरोवर के बारे में अभी हमने बात किया, बिल्कुल है, समसपुर भी है, बिल्कुल है, सरसई बिल्कुल है, लेकिन मानसर तो हरियाणा में है, ये कहां से उत्तर प्रदेश में आ गया। और ये देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो सुरिंसर मानसर झीले जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में जिले में है, और सुरसर मानसर इन जो है इन दोनों जिलों को जुड़वा झीले भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर जो है आगरा में है, समस पक्षी विहार रायबरेली में है, और रायबरेली आप सभी जानते हैं कि इस बार राहुल गांधी जी चुनाव जीते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चूंकि रायबरेली से।
सरसई झील जो है इटावा में है, आप सभी जानते हैं कि इटावा जो है मध्य प्रदेश के साथ भी बॉर्डर भी शेयर करता है, याद रखिएगा। और रामसर स्थल भी घोषित किया गया, सब जानते भी हैं। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, 14 है, और यूपी में कितने हैं, 10 है, ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो ये सुरसर मानसर झील जो नहीं था, और 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर 39वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है 39 नंबर प्रश्न। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है, मतलब फ्लो नहीं करती उत्तर प्रदेश से। पहला है कि सोन नदी, दूसरा हिंडन नदी, तीसरा गंडक नदी, चौथा शारदा नदी। और ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी ऐसी नदी है, रिवर है, जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, अगर हम बात करें, या देखिए अगर हम गंडक है, शारदा नदी है, हिंडन नदी है, सोन नदी है, देखिए यहां पर मैं व्याख्या दिखा रहा हूं। गंडक नदी का जो उद्गम होता है वो नेपाल हिमालय से होता है, जो गंडक हमारी नदी है, और इसे जो है सालिग्रामी के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य को सीमा बनाती हुई और पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है, जबकि सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर जिलों से प्रभावित होती हुई गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी चूंकि आप सभी जानते हैं सहारनपुर जनपद में जो है कोलनामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर है, बगल में शामली है, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना से मिल जाती है, जबकि शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी के नाम से जानते हैं, यह उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए प्रभावित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, आयोग ने चूंकि इस प्रश्न का विकल्प भी जो है माना है, चूंकि क्वेश्चन 2021 का है। ठीक है, आंसर इसका गलत दे दिया था आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन को देखिए, इसीलिए मैंने आपको व्याख्या ही दिखा दिया। चलिए, आयोग ने उसे गलत मान भी लिया था, चूंकि कई परीक्षाओं में क्वेश्चन गलत भी आते हैं आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि सौज झील जो है वो मैनपुरी, दूसरा कह रहा है कि सर शेखा झील जो है आपका अलीगढ़ में है, तीसरा बोल रहा है कि बखीरा झील जो है वो संत कबीर नगर में है, और चौथा बोल रहा है कि सरसई झील जो है वो आगरा में है। और ये देखिए आश्रम पद्धति लेक्चरार में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। माय डियर, जो सरसई झील है ना वो आगरा में तो नहीं है, क्योंकि सरसई जो झील है वो आगरा में नहीं है, वो इटावा में है। और इटावा के बारे में आप सभी जानते हैं कि इटावा जो है मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र का गृह जनपद है इटावा, और इटावा जो है आप सभी जानते हैं कि इटावा क्या है, इटावा जो है एमपी के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, जबकि बाकी सब सही है। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सौ झील चूंकि मैंने कहा मैनपुरी, ये बिल्कुल सही है। और इस बार मैनपुरी से जो है अखिलेश यादव की धर्मपत्नी जिनका नाम है डिंपल यादव, इस बार सफाई से वो चुनाव उन्होंने लड़ी है। अलीगढ़ के बारे में सभी जानते हैं, अलीगढ़ का ताला बड़ा फेमस भी है, और अखिलेश यादव चूंकि अखिलेश यादव के बारे में आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव जी चूंकि पहले वो विधानसभा के सदस्य थे, इस बार 18वीं विधानसभा में 18वीं जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो करहल सीट से वो विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, लेकिन करहल से थे, लेकिन इस बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है वो कन्नौज से क्या हुए, सांसद हुए हैं, कन्नौज से सांसद हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, और इन्होंने क्या किया है, करहल सीट छोड़ दिया है, बाई इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा सरसई झील आगरा नहीं है, इटावा है, संत कबीरनगर बखीरा है। संत कबीरनगर के बारे में सब जानते हो, संत कबीरनगर खलीलाबाद मगहर, जो कि कबीरदास जी से रिलेटेड है मगहर। ठीक है, संत कबीरनगर एक जिला भी है जो कि बस्ती के और गोरखपुर के बीच में पड़ता है, संत कबीरनगर। ठीक है, अलीगढ़ का ताला काफी फेमस है, सभी लोग जानते भी है अलीगढ़ के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 41 आ गया, 41 क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है, और ये यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में देखिए एलडीए के नाम से पहले जाना जाता था, 2010 में पूछा हुआ है कि गंगा नदी बनारस में है, अच्छा जी। दूसरा कह रहा है कि भैया सरजू नदी अयोध्या में है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कोशी नदी गोरखपुर में, चौथा कह रहा है गोमती सुल्तानपुर में है। एक बात बताओ मुझे, गोरखपुर में कौन सी नदी है, तो गोरखपुर में तो सर राप्ती नदी है, तो गोरखपुर ऑप्शन डी जो ऑप्शन ये है कोसी लिखा हुआ है ये गलत है, ये जो लिखा है सी ये गलत लिखा है। बाकी गंगा बनारस में गंगा जी है बिल्कुल, अयोध्या में सरजू जी है, बरहज में भी सरजू जी है,
गोमती सुल्तानपुर में बोल रहा है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। गोमती लखनऊ में भी है, सुल्तानपुर में जो गोमती नदी है वो लखनऊ में भी है। यलकेओ मीन्स लखनऊ, ये आपका सुल्तानपुर में भी है, सुल्तानपुर में भी जो है आपका गोमती नदी है, ठीक है। प्रतापगढ़ में सई नदी है, याद रखिएगा प्रतापगढ़ में सई नदी है आपका। प्रयागराज में कौन सी नदी है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चूंकि सरजू अयोध्या चूंकि भगवान श्री राम जी की नगरी है, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे, और आप सभी जानते भी हैं, ठीक है, सब लोग परिचित भी हैं, और चूंकि यहां पर अयोध्या जी है, लेकिन गोरखपुर में कौन सी है, गोरखपुर में राप्ती नदी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चंस पे बात किया जाए, तो मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है, 42 क्वेश्चन। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, जलप्रपात के बारे में यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवदरी और जो कहां पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और चूंकि देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है मिर्जापुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है चंदौली और चौथा है कासगंज, चार ऑप्शन है, यूपीपीसी वेटिंग ऑफिसर में 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देवदरी और जो आपका राजदरी है ये जलप्रपात पूछ रहा है, ये आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश से बनारस के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंदौली, और इस समय जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के एक सीएम भी थे, वो चंदौली से ही आते हैं, चंदौली उनका गृह जनपद है, और चंदौली जो बिहार के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, जैसे सोनभद्र करता है, जैसे बलिया बिहार के साथ करता है, चंदौली भी बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, महाराजगंज करता है, कुशीनगर करता है, देवरिया करता है, तो ये सब याद रखना चाहिए। यूपी के 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, बिहार के साथ, ठीक है। तो चंदौली यहां पर चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, और यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित भी किया गया था। 42 का सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, 43 क्वेश्चन पे बात अगर हम करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही बेस्ट आपके लिए रहेगा, पेपर को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है, किसका ये सबसे हाईएस्ट है, पहला है महानंदा, दूसरा है सोन नदी, तीसरा रामगंगा, चौथा गंडक। तो ठीक है, अगर हम बात करें इन सभी में तो सोन नदी, ठीक है, सोन नदी ऐसा है जिसका जलग्रहण जो उसका है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो सोन नदी सबसे ज्यादा याद रखिएगा, और सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से जो है निकलती हुई और पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, चूंकि सोनभद्र एमपी के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, और बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट ये गंगा जी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी, चूंकि अमरकंटक आप सभी जानते हो नर्मदा जी है, नर्मदा नदी है अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, 44 क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, 44 मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलेक्शन का एक ही तरीका है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो लगाइए उसको, खाली मत बैठिए। नगर कस्बा दिया है, को पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है, मैच द कॉलम पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला ऑप्शन है बिछूर, बिछूर कह रहा है गंगा जी, दूसरा गोरखपुर कह रहा है राप्ती नदी, तीसरा कह रहा है कि जौनपुर बोल रहा है कि सही नदी, और चौथा है कौशाम्बी यमुना। क्या लग रहा है आपको, कौशाम्बी में क्या यमुना है, जौनपुर में क्या सई नदी है, भैया सई नदी कहां जौनपुर में हो जाएगा, प्रतापगढ़ अभी हमने बात किया, प्रतापगढ़ आंवला के उत्पादन के लिए फेमस है, प्रतापगढ़ में कौन सी नदी है, प्रतापगढ़ में सई नदी है मेरे दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिछूर कानपुर के बगल में बिछूर है, गंगा जी है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है और वहां पर गंगा जी है, इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर। इसके साथ साथ गोरखपुर में राप्ती नदी है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कौशाम्बी में यमुना जी है, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन जौनपुर में जो है आपकी गोमती नदी है, आप सभी जानते हैं जौनपुर के बारे में, तो खैर सब जानते ही होंगे, मिर्जापुर वेब सीरीज देखा ही होगा और मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है जौनपुर राज्य की स्थापना भी किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो इसका आंसर आप सभी को मिल चुका है, आई थिंक ऑप्शन इसका सी जो है गलत था, ठीक है, ऑप्शन क्या था, सी गलत था इसका, बाकी सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब बिठूर ये गंगा बिल्कुल सही है, कानपुर में भी गंगा नदी है, आप सभी जानते हैं कानपुर में गंगा है, वाराणसी में गंगा है, प्रयागराज में चूंकि गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी कहा जाता है, प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ये सब जानते होंगे आप सभी, ठीक है। लखनऊ में गोमती जी है, लखनऊ में कौन सी नदी है, गोमती नदी है, ठीक है, याद रखिएगा सब। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 45
इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, बताओ, पूर्वी है, पश्चिमी है, मध्य है या उत्तरी, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, चूंकि मान लीजिए ये मैप बना दूं मैं, ये पूर्व कर दूं, ये पश्चिम कर दूं, ये उत्तर कर दूं, ये दक्षिण कर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सबसे ज्यादा कहां पर बाढ़ आने की संभावना है? तो सर्वाधिक जो बाढ़ आएगा वो तराई बेल्ट में आएगा। तराई बेल्ट कौन सा है? गोरखपुर वाला बेल्ट है, वो तराई बेल्ट है। नेपाल ऊपर से पानी छोड़ेगा और वो जो है भर जाएगा। हमेशा एक डर बना रहता है, 1998 में जो है बाढ़ का प्रकोप सपने देखा होगा, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। चूंकि ऊपर है छोड़ेगा तो नीचे पानी आना ही है, स्वाभाविक सी है, पूरा का पूरा शहर भर जाएगा। तो तराई बेल्ट कहां होगा? ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है आपका, तो यहीं पर होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और यूपीपीसीएस मेंस देखिए 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश तो चूंकि हरा भरा देख ही रहे हैं आप, हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, एम एस स्वामीनाथन साहब, चूंकि बहुत बड़ा रोल था, एम एस स्वामीनाथन साहब का रोल इतना बड़ा था कि इस बार भारत रत्न से भी सम्मानित उनको किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति जो हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ही हुआ था, ठीक है। ये होगा नहीं, मध्य की बात छोड़िए, उत्तरी से छोड़िए, ऑप्शन हो जाएगा इसका पूर्वी क्षेत्र। अगला हम बात करें, अगला क्वेश्चन पे हम बात करें, आपके सामने आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। चलिए, एक तरफ दिया है कि सही का उत्तर चयन करने के लिए बोला है यहां पर, और ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि बताइए चित्रकूट में कौन सी नदी है, कोई बात नहीं है, हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ नगर है दूसरी तरफ नदी है। एक तरफ आपसे कह रहा है कि सर जौनपुर, जौनपुर में पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम है। एक तरफ कह रहा है मथुरा, मथुरा में आई डोंट नो क्या है। अयोध्या, अयोध्या में इतना तो पता है कि सरजू जी है। अगर मान लीजिए मुझे मालूम हो कि अयोध्या, सभी लोग चूंकि न्यूज में भी रहता है, मान लीजिए डी का थ्री मुझे मालूम है, डी का थ्री मान लीजिए मुझे एक ही मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मेरे पास डी का थ्री किसमें है, डी का थ्री किसमें है? देखिए ये बी ऑप्शन में देखिए क्या है, डी का थ्री, क्या यहां पर डी का थ्री है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या यहां पर डी का थ्री है किसी और में? देखिए यहां पर इसमें भी है डी का थ्री है, क्या 4123 ऐसा टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, यानी कि इसमें नहीं है, यानी कि ए और हमारा जो है डी नहीं हो सकता, हमारा आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट में कौन सी है? चित्रकूट आप लोग गए होंगे, चित्रकूट वहां पर, चित्रकूट चूंकि एक मंडल है, चित्रकूट मंडल है, और चित्रकूट एरिया यूपी में, कुछ एरिया एमपी में है, भगवान राम जी से रिलेटेड है, मंदाकिनी याद होगा आपको, ठीक है, सती अनुसुईया, चित्रकूट लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो चित्रकूट कौन सी है? मंदाकिनी, ऑप्शन ए का फोर। ऑप्शन ए का फोर किसमें है माय डियर? ऑप्शन ए का फोर क्या ए में है? नहीं सर, ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यूपीपीसीएस की परीक्षा में यह भी देखा जाता है कि अगर दो भी पता है ना, आंसर कर जाओगे, यही है उत्तर प्रदेश पीसीएस, इसलिए मैं कहता हूं बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चित्रकूट में मंदाकिनी है, जौनपुर में गोमती जी है, लखनऊ में भी गोमती है, अयोध्या में सरजू जी है, ठीक है, और कौन बचा हमारा? मथुरा, मथुरा में यमुना जी है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा दिल्ली में कौन सी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चूंकि दिल्ली भी हमारा बॉर्डर लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, चलिए 47 क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं तुरंत। उत्तर प्रदेश की किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो माय डियर, अभी मैंने कहा कि पार्वती अर्गा है, सुर सरोवर है, सुरहाताल है, ऊपरी गंगा नदी, अब तो कई हो गई है, तो देख लिया यहां पर मैं दिखा देता हूं। 2022 का टोटल 10 हो चुके हैं, 10 का नाम याद रखिएगा। मैंने कहा था ना रामसर स्थलों की संख्या के मामले में सबसे हाईएस्ट तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 14 है और यूपी में कितना है? यूपी में 10 है। ये 10 का नाम देख लीजिए कौन कौन से है। सरसई नवर झील है, इटावा में है। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है, ठीक है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर कौन सा है? रायबरेली में है। ये पार्वती अर्गा गुंडा में है आपका। ये सब जीता किया गया है, ठीक है। और हाल ही में देख लिया मुजफ्फरनगर में हैदर, चूंकि क्वेश्चन बहुत पहले का है वो, तो हैदरपुर को भी उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल के रूप में, तथा बखीरा वंजरको को जो है संत कबीर नगर में बखीरा है 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है और वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कई सारे हैं इसलिए सब देख सकते हैं आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग 48 पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए इसको दबा दे। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद में किस स्थान पर स्थित है, कहां पर स्थित है, यही पूछ रहा है। देखो जब भी अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरा एक पर्सनल सुझाव है, लखनऊ मारिए, ना समझ में आए तो मारिए लखनऊ, तुक्का लगाने का भी तरीका है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा मेरठ, तीसरा गोरखपुर, चौथा उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। गोरखपुर में तो गीता प्रेस है, गोरखपुर में जो है गीता प्रेस है, राप्ती नदी है, गोरखपुर एक मंडल है, चोरी चोरा कांड भी हुआ था, गोरखपुर जिला के अंतर्गत आता है वो,
ठीक है, गोरखपुर जो है चार मंडल है, मतलब गोरखपुर मंडल है, और गोरखपुर मंडल में जो है चार जिले हैं। गोरखपुर एक खुद जिला है, जो मंडल होगा वह जिला होगा, और कुशीनगर एक जिला है, जहां कुशीनगर कुशीनारा जब मल्लों की राजधानी थी, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महाराजगंज चूंकि गिद्ध प्रजनन केंद्र है, महाराजगंज एक जिला है जो गोरखपुर के अंतर्गत आता है। जैसे मयूर संरक्षण केंद्र आपका मथुरा में है, वैसे गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका महाराजगंज में है। और इसके साथ साथ जो है आपका कुशीनारा हो ही चुका, देवरिया भी एक जिला है, देवराह बाबा की नगरी है देवरिया, चूंकि बिहार के साथ बॉर्डर भी टच करता है। और भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में देवरिया में लगी थी। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, और मुस्कुराइया उत्तर प्रदेश में है। और बेगम हजरत महल महापरी ने 1857 के महाविद्रोह के समय यहां से नेतृत्व किया था लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ का चिकनकारी का कपड़ा जो है काफी फेमस है, सभी लोग जानते हैं चिकनकारी काफी फेमस है लखनऊ हजरतगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48। बस इसके बाद बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, कृषक समृद्धि का जो बात की गई है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किस योजना को कब शुरू किया गया था। बस ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो याद रखिएगा आयोग किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 17 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जो कृषक समृद्धि गठन किया गया था 17 में किया गया था, योगी जी उस समय आए भी थे 17 में, 17वीं विधानसभा का जब चुनाव, मैं बता भी देता हूं, बस एक मिनट रुक जाइए, बस मुझे बस 2 मिनट का समय देखिए। चलिए, जो 17वीं विधानसभा हुआ था, 17वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, ना तो योगी आदित्यनाथ जी, और याद रखिएगा चूंकि 17वीं विधानसभा 2017 से 2022 तक हुआ था, याद रखिएगा इस बार 18वीं विधानसभा चल रहा है उत्तर प्रदेश का, 2022 से लेकर 2027 तक चल रहा है। दो चीजें याद रखना हमको कि 17वीं विधानसभा में हमारे यूपी के जो सीएम साहब है वो विधान परिषद के सदस्य थे, अखिलेश यादव जो थे लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन 2022 वाले में देखेंगे तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं चुनाव लड़े गोरखपुर शहरी क्षेत्र से, जो यूपी के सीएम साहब हैं इस बार चुनाव लड़े हैं कहां से, गोरखपुर शहरी क्षेत्र से, याद रखिएगा अर्बन एरिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था गोरखपुर शहरी क्षेत्र से। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो अखिलेश यादव हैं वो करहल विधानसभा से चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया करहल से, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कन्नौज से, कन्नौज का परफ्यूम पूरी दुनिया में फेमस है। बस लास्ट क्वेश्चन कर लो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है 50। चलिए 50 क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, मैं देख लेता हूं क्या है, किस कौन सा कथन सही पूछ रहा है, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। बिल्कुल भाई, भारत में सबसे दूध उत्पादक होता है, इतना बड़ा प्रदेश है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, चावल कहां से आ जाएगा, उत्तर प्रदेश वाले नहीं चावल बहुत कम खाते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोटी ज्यादा खाते हैं, तीन तो कट गया, वैसे ही बंगाल है चावल में, तीन काटो तो ये कट गया हमारा, ये भी कट गया, बचा ये या ये, यही दोनों में से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना दोनों में जो है नंबर वन पे चल रहा है उत्तर प्रदेश अपना, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, और ये आर ओ ए आर ओ में 2021 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो चावल खाइए तो बंगाल जाइए, वैसे यूपी के लोग जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले रोटी ज्यादा खाते हैं, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले हैं वो चावल भी खाते हैं, तो चावल में पूछ रहा है, चूंकि हमको तो पूरा यूपी देखना है, बुंदेलखंड में लोग रोटी खाते हैं, तो गेहूं में और जो है हम लोग दूध में नंबर वन पे हैं, चावल में सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि चावल में नंबर वन पे पश्चिम बंगाल है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने अपने सुझाव अपने कमेंट जरूर हमें दीजिए, ताकि हम जो है इसको और भी इंप्रूव करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार रिपीट होते हैं, तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।